बनाना शुरू करते हैं फाफड़ा और जलेबी। तो सबसे पहले हम फाफड़े का आटा रेडी करते हैं और उसके लिए हम लगे बेसन का आटा 2 कप। आटे को मैंने छान के लिया हुआ है, आप भी छान के ले सकते हैं। इससे जो आटे में जो गुठलियां होती है वो बराबर से निकल जाएगी और हमारा फाफड़ा अच्छे से बनेगा। अब हम इसमें पिंच ऑफ इनो डालेंगे, पिंच ऑफ हींग डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, और ये अजवाइन है जिसे हम हाथों से कूट के डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने अजवाइन को रोस्ट किया हुआ लिया है, आप चाहे तो कच्चा भी ले सकते हैं। आटा गूंदने के लिए हम सबसे पहले 1/4 कप तेल और 1/2 कप पानी को मिक्स करेंगे और उसे उबालेंगे। जब तक तेल और पानी गर्म होते हैं, तब तक हम हमारा आटा छान लेते हैं। आटा मैंने अच्छे से छान लिया है, अब हम गैस बंद करेंगे और इस मिश्रण को हम आटे में ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें तेल और पानी आटे में डालना है। हमें आटे की कंसिस्टेंसी बहुत कड़क नहीं और बहुत सॉफ्ट नहीं ऐसी लगानी है, जैसे हम अच्छे से फाफड़ा रेडी कर सके। आटा अच्छे से गूंद चुका है और हमने 2 से 3 ड्रॉप्स उसमें तेल डाले हैं ताकि अच्छे से आटा एक दूसरे से चिपक जाए। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमने जो इनो डाला है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। फाफड़ा का आटा रेडी हो चुका है, अब हम इसका फाफड़ा बेलेंगे। सबसे पहले हम इसका लोई बनाएंगे। हमें इस तरह से इस शेप में, सिलेंडर शेप में इसको बनाना है और इस तरह से रखेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल ले सकते हैं और इधर लगा सकते हैं। और हमारा जो हथेली का ये भाग होता है उससे हम इसको स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह से सारे फाफड़े हम बेल लेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल मध्यम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। फाफड़ा क्रिस्पी होए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। इसमें हमने हींग स्प्रिंकल की है, इससे फाफड़े का टेस्ट दोगुना हो जाता है और वो पचता भी आसानी से है। अब हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी के लिए मैंने 1 कप मैदा और 1 कप पानी डाल के इस बैटर को रेडी किया है। इसके लिए हमें करीबन 12 से 14 घंटे चाहिए जो हमें अच्छे से फर्मेंटेशन के लिए लगते हैं। करीबन 1.5 कप जितना घी मैंने लिया हुआ है जिसे हम गर्म करेंगे। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा पतला है तो आप 1 से 2 चम्मच मैदा उसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से चम्मच से इस तरह से गिर रहा है, ऐसे थिक कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अब हम चाशनी रेडी करेंगे और इसके लिए गैस ऑन करते हैं। 1 कप मैंने शुगर ली हुई है जिसे हम इसमें ऐड करेंगे और इतना ही हम पानी लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जितना फूड कलर ऐड करेंगे और इसमें करीबन 4 से 5 केसर की तिलियां डालेंगे और अच्छे से चाशनी को चला लेंगे। चाशनी रेडी हो चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे इस बैटर में भी हम चुटकी भर जितना नेचुरल ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर रेडी हो चुका है, अब हम इसे केचप की बोतल में पोर करेंगे। अगर आपके पास केचप की बोतल नहीं है तो आप ट्रेडिशनल तरीके से तंग कपड़े में एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें भी डालकर अच्छे से जलेबियां निकाल सकते हैं।
अब हम जलेबी को घी में फ्राई करेंगे। जलेबी तल के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे चाशनी में ऐड करेंगे। करीबन 30 सेकंड तक हमें इसे चाशनी में रखना है। आज मैं आपके लिए लाया हूं आलू प्याज कचौड़ी। सबसे पहले हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच राई। जैसे ही राई क्रैकल करने लगेगी हम पैन में कांदा डालेंगे। अब हम डालेंगे एक बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच चीनी, थोड़ा सा हींग और नमक स्वाद अनुसार। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 आलू जो कि पहले से ही बॉइल्ड और मैश्ड हैं। अब हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच बेसन, हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है तब तक हम पूरी बना लेते हैं। ये आटा मैंने पहले से ही गूंद कर रखा हुआ है। सबसे पहले हम एक आटा का गोला लेंगे और उसको ड्राई फ्लावर में डिप करके उसको बेलेंगे। अब हमारी पूरी बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे ज्यादा पतला नहीं बनाया है क्योंकि पतला होने से ये तेल में फट सकता है। अब हम पूरी में फिलिंग डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच हम डालेंगे और पूरी को फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसी तरह बाकी की भी कचौड़ियां तैयार कर लेंगे। हमारी कचौड़ियां बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो आइए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। अब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इन्हें तेल से निकाल देंगे। तो ये है हमारी आलू प्याज कचौड़ी बिल्कुल तैयार। आप इसे चटनी के साथ, चाय के साथ या तीखी मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। चलिए बनाते हैं पनीर पकौड़े। ये रहे हमारे पनीर के कटे हुए पीस और अब हम सबसे पहले लेते हैं नमक। फिर हम लेते हैं लाल मिर्ची पाउडर, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम लेते हैं बेसन, ये करीबन 1.5 कप बेसन है। इसमें हम डालेंगे नमक। पनीर को हम नमक और मिर्ची इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि बैटर में तो मसाला होता ही है पर फिर अंदर पनीर फीका रह जाता है, तो इसे नमक और लाल मिर्च लगाना जरूरी है। अब हम लेते हैं लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन 1-1 चम्मच, अदरक लहसुन का मसाला 1 चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, कोतमीर थोड़ा सा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। जब तक हम अपना बैटर बनाते हैं तब तक हम अपनी गैस शुरू कर देते हैं कि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। बैटर बहुत थिक नहीं होना चाहिए, बोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए।
ताकि वो पनीर को अच्छे से लेप ले। अब हम डालेंगे इसमें आधी कटोरी ब्रेड क्रम्स। इससे क्या है कि पकोड़े अच्छे क्रिस्प हो जाते हैं। हमारा बैटर अच्छे से थिक हो गया, हम इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे। अब हम पनीर के पीसेस लेते हैं, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी। आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं, आप सॉस भी डाल सकते हैं, आप शेज़वान सॉस भी डाल सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं डालना तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। अब हमारा बैटर भी तैयार है और हमारे पनीर भी तैयार है। इसे हम अच्छे से डिप कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से कोट कर लिया है, तेल भी गर्म हो गया है अच्छे से। अब हम इसे फ्राइंग के लिए डालते हैं। ये हमारे पनीर के पकौड़े एकदम स्वादिष्ट बने हैं। ये रहे हमारे पनीर के पकौड़े एकदम तैयार और स्वादिष्ट। पालक की चाट। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप बेसन, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर बनाने के लिए पानी डालेंगे थोड़ा। ये बैटर वही बैटर है जैसे हम पकोड़े का बैटर बनाते हैं। ये पालक के पत्ते हैं जिसे हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है। अभी हम पालक को बैटर में डिप करके फ्राई करेंगे। पालक के पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। पालक के पकोड़े अब तैयार हो गए हैं। अब हम पालक की चाट को असेंबल करते हैं। ये लेंगे पालक का पकोड़ा। ये लिया है हमने ठंडा दही, जिसमें हमने 2 चम्मच शक्कर डाली है। पालक के पकोड़ों पे हमने अच्छे से दही डाल दिया है। अब उसके ऊपर हम डालेंगे हरी चटनी। उसके ऊपर अब जाएगी इमली की मीठी चटनी। उसके बाद हम डालेंगे सेब। ये पतली पतली अदरक की जूलियंस है। लास्ट में जाएगा धनिया पत्ता। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर।
ये रही पालक की चाट एकदम तैयार।